और गाइस तो ये है मेरे सारे इक्विपमेंट जो नए नए जिसकी मैं अभी आज अनबॉक्सिंग और रिव्यू देने वाला हूँ। रिव्यू पता नहीं जो भी होगा मेरे से वो देता हूँ, तो चलो वीडियो पूरी देखना। हेलो गाइस, मेरा नाम गुलशन बाबर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जमुन राइडर और आवाज़ थोड़ी गूंज के आ रही है। ओके, तो अभी मेरे पास है एक प्रोडक्ट जो कि मैंने मंगवाया था अपने कैमरा के लिए, इस वाले कैमरा के लिए। तो ये है पूरा पैक इसका, इसकी अनबॉक्सिंग तो इसकी पहले की हो चुकी है, इस टाइम मैं घर में नहीं था, बट अभी इसको मुझे आपको तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि इसमें सारी चीज़ें हैं क्या और इसका क्या यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगी। तो आपको ये सारी एक्सेसरीज मैं दिखाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे इस स्टेप पे। अभी थोड़ा सा घर में काम लगा इसलिए कोई जगह मुझे मिल नहीं रही कहाँ वीडियो बनाऊँ, तो इसको करते हैं कहीं ना कहीं जाके हम पूरा अनबॉक्स और दिखाता हूँ इसमें जो भी सारी एक्सेसरीज हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। वेल, इससे फ्री जगह तो मुझे कोई और अभी दिख नहीं रही है, तो मैं सब कुछ यहीं पर इसका जो भी है सब यहीं पर दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा नॉइस होगा इसमें क्योंकि इसकी आवाज़ भी आएगी, नॉइस कैंसिलेशन नहीं है इस माइक में, तो उसको अवॉइड करिए। तो अभी करता हूँ मैं इसको बाहर ही निकाल लेता हूँ, अनबॉक्स तो ये पहले का हो चुका है एंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं इसको। आपको मैं दिखाता हूँ इसके सारे जो भी इसमें सब प्रोडक्ट्स हैं इसमें, तो सब एक बार मैं निकाल लूँ। तो पहला ये माउंट आता है जो कि जाएगा मेरी मतलब कि चेस्ट पर आता है। ये सारे माउंट्स मैं आपको एक बार डाल के दिखाऊंगा, पूरा कैमरा मैन बन के दिखाऊंगा। तो इसमें कुछ मैंने माउंट्स हैं जो मुझे ज़रूरी लगते हैं और वो मैं इसमें कैरी कर लेता हूँ, तो वो सब माउंट्स मैंने इसमें डाल लिए। तो उसमें एक जे माउंट आता है और ये एक ऐसा वाला हुक का आता है जो कि मैं अपने ट्राईपॉड पे लगा सकता हूँ, छोटा वाला जो गोरिल्ला पॉड है उस पर, कि एक्शन कैमरा यूज़ आता है कभी। तो एक ये वाला माउंट और मैंने इसके साथ ये वाली टेप रखी हुई है, इसी के नीचे लगती है। तो ये माउंट कभी काम तो नहीं आएगा, बट फिर भी अगर बाई चांस कुछ हो जाए तो ये काम आते हैं। एक ये वाला रखा है और एक ये वाला, और साथ में एक ये माउंट। इन सबको मैं डालता हूँ इसके अंदर क्योंकि ये कभी ना कभी मुझे काम आते हैं। और एक ये हैंडल है जो कि अंडर वाटर या फिर पानी में कभी भी ब्लॉग करने का मौका मिला तो वहाँ ये काम आएगा। और एक ये सेल्फी स्टिक टाइप है और दिखने में यहाँ से इसकी क्वालिटी बिल्कुल एक सेल्फी स्टिक की तरह है, और यहाँ पे जो इसका ये नीचे दिया हुआ है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ऊपर अच्छा है ये। तो इस पर हम इजीली अपना ग्रूम गोप्रो या एक्शन कैमरा कोई भी हो लगा सकते हैं। उसके बाद एक ये मिलता है, ये बेसिकली बैग पे लगता है अगर आपने बैग डाला है तो। अभी जगह कम है इसीलिए मैं आपको इस तरह से नहीं दिखा पा रहा हूँ, खोल के दिखाता हूँ जो माउंट है ये। तो कुछ इस तरह से ये ओपन होता है, तो देखिए इस तरह से, तो जैसे आपने बैग टांगा है तो इस तरह से ऐसे बैग पे आ जाता है, तो ये लग जाता है बैग पे। यहाँ पे कैमरा, बट मोस्टली ये यूज़ नहीं करते हैं हम, बट फिर भी दिया हुआ तो कोई बात नहीं। इसको भी रखता हूँ साइड पे, जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा, कैमरा थोड़ा दूर रखना हो। और ये बेसिकली एक स्ट्रैप है, तो इसको भी, और कुछ ये माउंट है, ये किस काम आता है मुझे ये नहीं पता बट दिया हुआ। और एक ये माउंट है ना, जो ये रिस्ट माउंट है, दिखाता हूँ आपको, सॉरी ये हेड माउंट है ये वाला। तो ये सर के ऊपर लगा सकते हैं हम कभी कभी, किसी किसी जगह पे जाना हो तो ये काम आता है। तो अलग अलग अगर ये माउंट मुझे लेने हो तो 4-4 450 के पड़ते हैं, बट मुझे एक साथ ये अच्छा पड़ा कॉम्बो,
तो आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, तो ऑर्डर कर सकते हो आप। तो अच्छा है ये वाला भी। तो ये दो तो मैं हमेशा अपने साथ ही रखूँगा, एक हेड वाला और एक चेस्ट वाला, क्योंकि ये काफ़ी काम आने वाले हैं मेरे आने वाले ब्लॉक्स में, ये बहुत काम आएंगे। और ये कुछ माउंट है, हैंडल माउंट होता है बेसिकली, ये कोई भी यूज़ नहीं करता है, बट देखेंगे कभी। ये वाला है रिस्ट माउंट, इसको हम इस तरह से ऐसे करके रिस्ट पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम कैमरा लगा के शूट कर सकते हैं बाय चांस। हम ये मोस्टली जब हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तब ज़्यादा यूज़ होता है, पैराग्लाइडिंग हो गया, स्काई डाइविंग, या फिर ऐसे ही कुछ और जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें काम आ जाता है, बट ऐसे तो ठीक है। और एक ये कप वाला माउंट है जो कि गाड़ी में लगता है, वैसे मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया इसको गाड़ी में लगा के, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से नीचे एक कप बना हुआ था, तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे एक कैमरा को रखने के लिए माउंट है, तो कैमरा माउंट कर सकते हैं हम। उसके बाद आते हैं कुछ माउंट्स जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये पुराना माउंट है जो मैंने दूसरे से एक्सचेंज कर दिया, और ये एक और ये माउंट है, एक मैं अपने साथ रखता हूँ और एक मैं इसी में रखता हूँ। और ये कुछ टेप हैं, 3M टेप्स, और ये एक वही गोल वाला माउंट, पता नहीं किस काम का। और टेप हैं बहुत सारी इसमें, 3M टेप, एक ये माउंट है, ये भी अच्छा है, काम आने वाला है, बट यहाँ पे इसको सिर्फ नट बोल्ट लगे हुए इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे वाले जो माउंट्स होते हैं ये काम आते हैं, वो किसी काम नहीं आएगा। तो ये माउंट, तो बस यही सब है इसमें एक्सेसरीज। तो कुल मिला के ये 42 और 41 पीसीस होते हैं, तो जो आपको मेरे ख्याल से कितने के, 1300-1400 रुपये के बढ़ जाते हैं, तो ठीक है ये अगर आप यूज करना चाहते हो। अभी मैं आपको कुछ माउंट्स हैं जो मैं लगा के दिखाता हूँ, तो चलिए दूसरी लोकेशन पे। तो गाइस ये दो माउंट हैं जो मैं आपको बता रहा था, 20 सारे माउंट, ये दो माउंट मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ डाल के पूरा कि किस तरह के हैं। एक ये हेड पे लगेगा और ये वाला जो है ये आएगा इधर पूरा चेस्ट पे, अभी पूरे प्रो वाले बन रहे हैं भाई। तो एक पहले मैं यहाँ रखा, ये है चेस्ट वाला, इसको यहाँ से खोल लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है खोल के इस तरह से। अभी ऐसा लग रहा है कि फाइट लड़ने जा रहा हूँ। तो वैसे ये माउंट आ जाएगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे डालेंगे। और एक और है, कभी कभी ये काम आएगा और क्या पता नहीं, दोनों ही काम आएगा। तो ये हेड माउंट, कैमरा में से ये वाला चलता नहीं है, बट अभी मेरे बाल पता नहीं कैसे आएंगे, बट कोई बात नहीं, ब्लॉगिंग के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो इस तरह का कुछ प्रो वाला बन जाऊंगा मैं, और बस DSLR वहाँ पे है, वरना वो भी पकड़ता था 3 दिन कैमरे वाला अलग ही स्वैग होता था। तो ये कुछ माउंट्स हैं जो मुझे मैंने मतलब की परचेज़ किए हैं, मेरे लिए, मुझे कोई देता नहीं भाई क्या करें। तो इनको खोल लेता हूँ मैं। तो ये जो माउंट्स हैं मेरे को लगभग 14,000 के करीब करीब पड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, खरीदना होगा तो खरीद लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड यस दैट्स इट फॉर द वीडियो, और बस खत्म।